महाराज सही बताया राम जी। शूर्पण नखा प्रभु राम के पास पहुँची है। मैं शूर्पण नखा हूँ और क्या कहने लगी प्रभु राम से। क्या कहने लगी? तुम संपोषण मौसम नारी संयोग विधि रचा नारी। कहने लगी मुझसे शादी कर लीजिए। अच्छा शादी कर लीजिए और क्या। अच्छा तो प्रभु राम कहने लगे क्या कहने लगे। आज हम कुंवारे नहीं विवाहित है और एक नार व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ दूसरों की आज माता बहन समझ के पहुंची। शूर्पणखा कहने लगी महाराज अज भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। एक राहसी तानामी सुकुमारी नारी आए मशीन उन्हीं की हो। क्या बात। और हमारे भैया स्पेन पास 4 रुपए का दान करते हैं सुख नखा के लिए। बहुत अच्छे कभी नाम जुड़वा लें। अज बाके हैं और लड़ाके हैं जैसे शमशीर उन्हीं की हो। क्या बात। अजी ऐसे रहते हैं भाई जैसे जागीर। और कहने लगी शूर्पणखा क्या कहने लगी। मैं अचानक वहां से निकल पड़ी। अच्छा महाराज। उस नारी से मिलना चाहा। क्या बात है। इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर तो रावण कहने लगा बहन तुमने मेरा नाम नहीं लिया। अच्छा तो शूर्पणखा का कहने लगी मैंने नाम लिया। बहुत अच्छे। तो बोले डर गए होंगे। बोले नहीं। हाँ। कहने लगी क्या कहने लगी? जब मैंने तेरा नाम लिया क्या बात? तो सुनते ही उसने दी गाली। अरे मेरे कान कतर डाले और मेरी नाक काटे मेरी कटी सो कटी सही पर अपनी नाक बचा लेना। अरे जग में ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम दादाजी। महाराज मंदोदरी ने देखी। हाँ, हाँ। और जैसी मंदोदरी ने देखी सो नाराज हो गई। बोले